हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पवन टेक न्यूज़। तो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पोको C3 में अगर आपकी हैंगिंग प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, बोले तो किस तरीके से उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही आपको यूजफुल होने वाला है ये वीडियो, तो आप वीडियो को कम्प्लीटली देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इस फोन में अगर आपकी हैंगिंग प्रॉब्लम है तो आप उसको किस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो गाइस, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपकी जो फ़ोन की सेटिंग है उसमें अंदर आना है, और यहाँ आने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखेगा। तो क्या करना है, आपको जितनी भी आपकी नोटिफिकेशन है वो सारी आपको बंद करनी होगी। तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन का ऑप्शन देखेगा, इस पर क्लिक करना होगा, और यहाँ आने के बाद आपको ऑप्शन कुछ यहाँ पे दिख जाएंगे। अब गाइस, यहाँ पे आपकी फालतू के एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन आपके पास बार बार आती रहती है, तो आपको यहाँ से आने के बाद उनको इस तरीके से बंद कर देनी है। तो आपको जिस एप्लीकेशन की अधिक नोटिफिकेशन चाहिए, जैसे कि आप चाहते हैं वो आपका इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, जैसे कि आपको फेसबुक हुआ, व्हाट्सअप हुआ, इनको ही केवल रहने दीजिए, जैसे कि मेरा वो ये फेसबुक है। बगैर जितने भी एप्लीकेशन है यहाँ पे, आपको सारे एप्लीकेशन को इस तरीके से नोटिफिकेशन है वो सारी बंद कर देना है। अब आपकी जितनी भी नोटिफिकेशन आएगी है, जो आपका नेटवर्क कनेक्शन ओपन होगा, तो आपकी इन एप्लीकेशनों की जो कि नोटिफिकेशन है वो नहीं आएंगी, तो आपका फ़ोन स्लो होने का कोई चांसेस नहीं रहेगा, लैगिंग की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अब उसके बाद क्या करना है गाइस, आपको ये प्रॉब्लम ये करने के बाद आपको फिर से सेटिंग में आना है। अब यहाँ आने के बाद आपको देखने को मिलेगा अबाउट फोन, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखने को मिलेगा सबसे ऊपर मी UI का ऑप्शन, इस पर वर्जन पे आपको चार बार टैप करना है, कुछ इस तरीके से चार बार टैप करेंगे तो आपको एक डिप्लोर मोड होता है वो ओपन हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे बोला है UR डिप्लोर मोड ए ओपन, ठीक है। अब इसको आप थोड़ा सा बैक करेंगे, बैक करने के बाद आपको क्या करना है, आपका जो डिप्लोवर मोड है उसमें जाना है। अब यहाँ आने के बाद आपको देखने को मिलेगा एडिशनल सेटिंग, इस पर क्लिक करना है, या आपको वो डिप्लोवर मोड ऑप्शन जो होता है वो देखने को मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ आने के बाद आपको देखने को मिलेगा कुछ नीचे की और ऑप्शन जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको स्क्रॉल डाउन करना है, देन स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहाँ देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा विंडो एनिमेशन स्केल, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ एनिमेशन ऑफ पे क्लिक कर देना है। यहाँ तीन ऑप्शन ये देखने को मिल जाते हैं एनिमेशन वाले, आपको तीनों एनिमेशन इस तरीके से यहाँ पे ऑफ कर देना है, एनिमेशन ऑफ। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है, देन स्क्रॉल डाउन करना है, और उसके बाद नीचे की ओर आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे आपको देखने को मिल जाएगा डोंट कीप एक्टिविटीज, ठीक है। अब इसको आपको इस तरीके से इसको इनेबल कर देना है, और इसके बाद नीचे की ओर देखने को मिलेगा आपको बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, ठीक है, इस पर क्लिक करना है। और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नो बैकग्राउंड प्रोसेस पर क्लिक कर देना है। अब गाइस, क्या होने वाला है, ये आप सारी सेटिंग कर लेंगे तो क्या होगा, आपके फ़ोन में आपकी जितनी भी एप्लीकेशन बैकग्राउंड प्रोसेस करेंगी वो सारी स्टॉप रहेंगी। आप जब वहाँ से नो बैकग्राउंड प्रोसेस पे क्लिक कर देंगे, तब आपकी जितनी भी बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट वो एप्लीकेशन होंगी वो सारी बैकग्राउंड प्रोसेस में लिमिट जो एक्सेस करती रहती हैं वो बंद हो जाएंगी। अब आप कोई भी एप्लीकेशन खोलेंगे तो आपका जो प्रोसेस होगा वो सिर्फ उसी एप्लीकेशन पर होगा और किसी पर नहीं होगा, तो आपका फ़ोन लैगिंग की प्रॉब्लम, हैंगिंग प्रॉब्लम बिल्कुल भी करना बंद कर देगा। अब इसके अलावा भी फ़ोन आपका हैंगिंग की प्रॉब्लम कर रहा है तो फिर क्या करना है आपके लिए, आपको फ़ोन अबाउट में आना है, देन यहाँ पे आने के बाद आपको देखने को मिलेगा फैक्ट्री रीसेट, फिर आपको गाइस अपना फ़ोन रीसेट करना होगा, उसके बाद आपका फ़ोन कम्प्लीटली ठीक चलना होगा। गाइस, अगर आपके थोड़ी बहुत लैगिंग प्रॉब्लम आ रही तो आप इसको नहीं रीसेट करें तो अच्छा रहेगा, अगर आपकी ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रही तभी इस फ़ोन को रीसेट करें, तो ठीक है। आपको रीसेट करने का प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ, फैक्ट्री रीसेट पर क्लिक करना है, और यहाँ आने के बाद आपको देखने को मिलेगा नीचे की ओर इरेस ऑल डेटा, इस पर क्लिक करनी है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा फॉर्मेट रीसेट, इस पर क्लिक कर देना। आपको 10 सेकंड के लिए वार्निंग देगा, आपको सारे जानकारी बताएगा कि आपका इस फोन में क्या क्या रचने वाला है, क्या क्या डिलीट होगा, वो सारी जानकारी यहाँ पे देने वाला है, तो आपको इस पर नेक्स्ट कर देना है। फिर आपको बताएगा कि आपको अगर ये कन्फर्म 100% श्योर है तो आप इसको ओके कर दीजिए, वरना इसको कैंसिल कर दीजिए, तो आपको ये ओके कर देना है। आपको कोई फोटो वीडियो इस फोन में नहीं बचेगा रीसेट होने के बाद, आपको इस तरीके से ओके कर देना, फिर आपका फ़ोन कम्प्लीटली रीसेट होने के बाद बिल्कुल ओके चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों, अगर आपका फ़ोन कम्प्लीटली ठीक हो रहा इस सेटिंगों से हो गया हो, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी लाइक कर सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।